नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 25वीं मई गुरुवार सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। उस दिन विशेष क्या आराधना करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज, और यदि आप इसी वीडियो से हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शनि जयंती के दिन किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आराधना करने से आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता मिल सकती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरे साल शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये दिन बहुत महत्व का है। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, जिनकी भी धन राशि है, जिनकी भी मकर राशि है, उन सभी लोगों को ये दिन के अंदर विशेष आराधना करने से उनको जबरदस्त लाभ मिलता है। मिथुन राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको कंधे के अंदर दर्द है, और बहुत सारे लोगों को कमर की पीड़ा है, उन सभी लोगों को 25वीं मई के दिन विशेष आराधना करनी चाहिए। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी शुभ नहीं है, शनिदेव की पनौती भी शुभ नहीं है, और कन्या राशि वालों को खास, जिनको भी कमर की पीड़ा है, वो सब लोग इस दिन शनिदेव का जाप, शनिदेव का मंत्र, शनिदेव की जो प्रिय चीजें हैं उनका यदि दान करते हैं तो उनको सीधे सीधे सारी तकलीफों में से मुक्ति मिलती है। अमावस्या का दिन भी विशेष साधना आराधना के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर विशेष साधना दायक बताया गया है। साथ में शनिदेव का ये जन्मदिन शनिदेव को जो प्रसन्न करता है, उनके जीवन में से मुसीबतों से मुक्ति मिलती है, विशेष उनको सफलता मिलती है, क्योंकि शनिदेव न्याय के प्रिय देवता माना गया है। तो खास इसी दिन आप उपवास करें। मुनीश्वर स्वामी जी भगवान का जो देरासर है, शनिदेव का जो मंदिर है, वहां पर जाकर के आप दर्शन करें। जरूरतमंद जितने भी लोग हैं उनको भोजन कराएं। ज्यादा से ज्यादा आप चप्पल का दान करते हो, जिनसे आपके जोड़ों का दर्द भी दूर होता है और आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि होती है। तो इस दिन जिस कन्या के विवाह के अंदर तकलीफें आ रही है, उनके रुकावटें आ रही है, वो सभी कन्या काले चमड़े के जो जूते हैं, वो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको यदि दान देते हैं तो उनकी रुकावटें दूर होती है। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि शनि देव का वास पीपल के पेड़ में होता है, तो पीपल के पेड़ का भी आप दर्शन करते हो, वहां पर तिल का दिया करते हो, तो भी शनिदेव की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। चींटियों को आटा खिलाते हो तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। खास ये दिन आपको तिल, उड़द, काला कंबल, बादाम, लोहे की चीज आप यदि शाम के समय देते हो तो जबरदस्त आपको लाभ मिलता है। खास एक चीज ध्यान रहे, शनिदेव की जितनी भी पूजाएं हैं वो शाम को करने से आपको विशेष लाभ मिलता है। खास शनिवार के दिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी शनिवार के दिन आप यात्रा करते हो तो कुछ न कुछ बाधाएं आती है। शनिवार के दिन सभी का आदर करें, सम्मान करें, किसी का भी अपमान न करें, ये करने से भी आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ आती है। और यदि कोई भी आपको काम शुरू करना है तो शनिवार के दिन ना करें। ये सारी आराधना करके आपकी कुंडली के सारे दोष दूर हो, जीवन के अंदर पूर्ण प्रसन्नता की प्राप्ति हो और खूब आगे बढ़े, पूरा साल आपका अच्छा जाए, शनिदेव की भी कृपा प्राप्त हो, यही मंगल कामना है।